नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 28 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 10वीं पास युवाओं के लिए भारतीय डाक के बिहार पोस्टल सर्कल में नौकरी का सुनहरा मौका। बिहारवासी अब घर बैठे बैठे बनवा सकेंगे जाति आय और आवास प्रमाण पत्र। अब बिहार को दूसरे राज्यों से मछली लेने की आवश्यकता नहीं। बिहार पुलिस की लाइब्रेरी बन रही डिजिटल। नीति आयोग ने जारी किया हेल्थ इंडेक्स, बिहार इसमें भी पीछे। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10वीं पास युवाओं के लिए भारतीय डाक के बिहार पोस्टल सर्कल में नौकरी का सुनहरा मौका। अगर आप भी 10वीं पास हैं और किसी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए हमारी यह खबर कुछ खास है। भारतीय डाक में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बिहार पोस्टल सर्कल में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। सभी इच्छुक उम्मीदवार बिहार पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट 2021 के लिए 31 दिसंबर 2021 तक या उससे पहले निर्धारित फॉर्मेट में अपना आवेदन और अन्य आवश्यक दस्तावेज नोटिफिकेशन में दिए गए पते पर भेज सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार पोस्टल सर्कल में पोस्टल असिस्टेंट के 31 पद, सॉर्टिंग असिस्टेंट के 11 पद, पोस्टमैन के 5 पद और मल्टीटास्किंग स्टाफ के 13 पद सहित कुल 60 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। सभी योग्य उम्मीदवार इंडिया पोस्ट बिहार सर्कल रिक्रूटमेंट 2021 के लिए 31 दिसंबर 2021 तक स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। बिहारवासी अब घर बैठे बैठे बनवा सकेंगे जाति आय और आवास प्रमाण पत्र। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, तो आपने भी एक न एक बार जाति आय और आवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अंचल कार्यालय में खूब चक्कर लगाए होंगे। इतना ही नहीं, अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि जाति आय आवास प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर अंचल कार्यालय में खड़ी भीड़ और परेशानी को भी बखूबी आप पहचान रहे होंगे, जिसके बाद से ही आम लोगों को सुविधा देने की कोशिश में बिहार सरकार जुट गई है, जिससे कि अब आप खुद ही इसे बनवा सकते हैं। जिसके तहत ही अब आवेदन करने के लिए सर्विस ऐप डाउनलोड करना होगा। इसको खोलने के बाद बाईं तरफ आय, जाति और आवास प्रमाण पत्र के कॉलम दिए गए हैं, जो बनाना है उस पर क्लिक करके विस्तृत ब्यौरा को आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद मोबाइल पर एक लिंक आएगा, जिस पर प्रमाण पत्र बनने के बाद क्लिक कर उसे डाउनलोड किया जा सकता है। बिहार पुलिस की लाइब्रेरी बन रही डिजिटल। पुलिस महकमे की लाइब्रेरी का जल्द ही कायाकल्प होने वाला है, जिसके तहत ही बिहार पुलिस की लाइब्रेरी अब डिजिटल होने वाली है। इस विशेष लाइब्रेरी में 10,000 से ज्यादा खिताबों के अलावा कुछ बेहद ही अहम दस्तावेज मौजूद रहेंगे और इन सभी की डिजिटली एंट्री करवाई जा रही है। इसको लेकर सभी किताबों पर बारकोड भी लगाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 8,500 से ज्यादा किताबों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। आने वाले 1 से 2 महीने में यह लाइब्रेरी पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस हो जाएगी, साथ ही किताबों की संख्या भी 2 गुनी के करीब होने जा रही है। हालांकि इस संख्या तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। यहां की पूरी प्रक्रिया डिजिटलाइज होने से किस किताब को कौन अधिकारी या कर्मी कब ले गया, कितने दिनों से कौन से पुस्तक किन के पास है समेत तमाम बातों की पूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। 29 और 30 दिसंबर को प्रदेश भर में हो सकती है बारिश। बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं, जिसके तहत ही आगामी 29 और 30 दिसंबर को प्रदेश भर में बारिश को लेकर आशंका जताई गई है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में विशेषकर किसानों के लिए यह मौसम विशेष रूप से चिंता का विषय रह सकता है, खासकर वो खरीफ फसलें जो अभी काटी गई हैं अथवा काटकर खलिहान में रखी हुई हैं। जानकारी के अनुसार रविवार और सोमवार को सुबह से हल्के बादल आसमान पर छाए रहे। इस दौरान वातावरण में धूलकण के कारण पटना सहित गंगा के मैदानी इलाके में विशेष धुंध छाई रही। सैटेलाइट तस्वीरों में इस तरह के दृश्य की पहचान हुई है। पुरवैया के दौर में बिहार की हवा में धूल के कण अधिक समय तक मौजूद रह सकते हैं। बिहार के मुख्य सचिव समेत कई आईएएस अफसर 31 दिसंबर को हो रहे हैं सेवानिवृत्त। बिहार में इस साल के अंतिम दिन बिहार के सभी प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल होने वाला है, क्योंकि साल के अंतिम दिन कई आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार चीफ सेक्रेटरी तिपरारी शरण भी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वैसे वो 30 जून को ही सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन उन्हें कई बार एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन अब वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव विमलेश कुमार झा का भी 31 तारीख को आखिरी दिन होगा। इसके अलावा पशुपालन विभाग के विशेष सचिव मधुरानी ठाकुर, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक अमरेंद्र प्रताप सिंह, वाणिज्य कर विभाग में विशेष सचिव अरुण कुमार मिश्रा, छात्र एवं युवा कल्याण के निदेशक डॉक्टर संजय सिन्हा, सामान्य प्रशासन विभाग में संयुक्त सचिव विमलेश कुमार झा की भी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति हो रही है। वार्ड सचिव पर जमकर बरसी पुलिस की लाठियां। अपनी मांगों को लेकर बीते कई दिनों से वार्ड सचिव विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके बाद ही आक्रोशित वार्ड सचिवों ने बीते दिन भाजपा कार्यालय का घेराव किया और अपना विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस की टीम को मोर्चा संभालने के लिए आगे आना पड़ा। मामले की जानकारी होते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वार्ड सचिवों को समझाकर वहां से हटाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी नहीं मानने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।
इस दौरान वार्ड सचिवों ने भी जमकर पत्थर बरसाए। स्थिति नियंत्रण से बाहर निकलता देख पुलिस की टीम वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागते देखी गई। इस दौरान पूरे वीरचंद पटेल मार्ग पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। भाजपा कार्यालय के बाहर रण क्षेत्र जैसा नजारा देखने को मिला। फरवरी के तीसरे हफ्ते के बाद चयनित शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। छठे चरण के शिक्षक नियोजन से जुड़ी बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन को लेकर चयनित शिक्षकों को फरवरी के तीसरे हफ्ते के बाद नियुक्ति पत्र देने का काम किया जा सकता है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जानकारी साझा कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जुलाई और अगस्त महीने में छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की दो राउंड की काउंसलिंग में 38,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, लेकिन 6 महीने बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, जिसको लेकर वो लगातार आंदोलनरत है। इधर शिक्षा विभाग का कहना था कि बिना सर्टिफिकेट की जांच कराए किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। बिहार के सरकारी बाबुओं के पास से मिला कुबेर का खजाना। बिहार में इन दिनों एक के बाद एक धन कुबेरों के नाम का खुलासा हो रहा है, जिसके तहत सरकार के नाक के नीचे किस तरह से और कितनी सफाई से पैसों का गबन हुआ है उसका खुलासा आप भी देख रहे हैं। इसी कड़ी में बीते 3 महीने से बिहार में एक के बाद एक लगभग 20 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई और लगभग 600 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। आलम कुछ यूं है कि आर्थिक अपराध इकाई द्वारा बालू के अवैध धंधे में करोड़ों रुपए कमाने वाले 9 पदाधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई हुई है। वहीं लगभग 20 लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उनमें कुलपति, मंत्री के आप्त सचिव, जेलर, डीटीओ, एसपी, एसडीपीओ, थाना प्रभारी, कार्यपालक अभियंता, सीओ समेत कई बड़े सरकारी अधिकारी शामिल है। वहीं इस बाबत पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने अपना बयान जारी किया है और साफ कहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और उनको मदद पहुंचाने वाले लोगों पर भी हमारी नजर है। ओमिक्रॉन को लेकर आईएमए ने कही बड़ी बात। देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से ही बिहार में भी ओमिक्रॉन के फैलने की आशंका जताई जा रही है, जिससे आम लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि दूसरी लहर में बिहार की हालत क्या हुई थी आपको बखूबी याद होगा। लेकिन इन सब के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद सिंह ने बताया है कि अभी तक दुनिया में ओमिक्रॉन से सिर्फ एक डेथ रिकॉर्ड की गई है, इसलिए पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति घर में ही ठीक हो रहे हैं। ओमिक्रॉन का लक्षण घातक नहीं है और कई लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है कि वो पॉजिटिव है, इसलिए सतर्क रहे लेकिन घबराए नहीं। लाख लोगों को लगेगी कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज। हाल ही में देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के मामलों के बढ़ने के साथ ही पीएम मोदी ने बूस्टर डोज देने की बात कही थी, जिसके बाद अब बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को तीसरे डोज दिए जाने की तैयारी हो रही है। राज्य स्वास्थ्य समिति से मिली जानकारी के अनुसार 16 जनवरी से 16 फरवरी के बीच वैक्सीन की डोज लेने वाले हेल्थ वर्करों को सूचीबद्ध कर इन्हें प्राथमिकता के आधार पर बूस्टर डोज देने की योजना है। इसके बाद 20 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर को बूस्टर डोज दिया जाएगा। इनके साथ ही बचे हुए हेल्थ वर्कर भी बूस्टर डोज लेते रहेंगे। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो प्रदेश में हेल्थ वर्कर की कुल संख्या 5.29 लाख करोड़ है, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर की संख्या 5.52 लाख और 60 से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 94 लाख है। इनमें से करीब 33% बुजुर्ग कई प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। डॉक्टर की सलाह पर इन सभी को बूस्टर डोज दी जा सकेगी। यहां पर बाईपास के निर्माण के लिए शुरू हुआ जमीन का सर्वे। बिहार में इन दिनों बिहार सरकार सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में अब सरकार ने औरंगाबाद के अंबा एनएच 139 में देव मदनपुर होते हुए गया तक बनने वाली एसएच 101 के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद देव में बनने वाली बाईपास सड़क निर्माण को लेकर सर्वे का काम शुरू कर दिया है। यह सड़क आमस से जयनगर तक बनने वाले भारतमाला सड़क परियोजना में जुड़ेगी। बिहार राज्य पथ विकास निगम के द्वारा जो जमीन को चिन्हित कर खाता और प्लॉट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है। सर्वे टीम ने आहार के बीच से ली गई जमीन को देखा है। हालांकि सर्वे टीम के अधिकारी भी आहार के बीच में बाईपास सड़क बनाने का कोई औचित्य नहीं समझ पा रहे हैं, पर इस पर कुछ भी बोलने से फिलहाल परहेज कर रहे हैं। बिहार के 10 जिलों में आईसीएआर कराएगी जलवायु अनुकूल खेती। बिहार सरकार बिहार में जलवायु अनुकूल खेती कराने को लेकर के लगातार काम कर रही है, जिसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। ऐसे में केंद्र की योजना राज्य सरकार की शुरू की गई योजना से जुड़ी होगी, जिसमें दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, नालंदा और सीतामढ़ी उसमें शामिल है। सरकार का मानना है कि जलवायु में हो रहे परिवर्तन का प्रभाव खेती पर भी पड़ा है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में जलवायु अनुकूल खेती कारगर पहल हो सकती है। उल्लेखनीय है कि पूर्व से ही बिहार सरकार राज्य के कई जिलों में जलवायु अनुकूल खेती प्रारंभ कर चुकी है, जिसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। ऐसे में केंद्र की योजना राज्य सरकार की शुरू की गई योजना से अलग बताई जा रही है। NO2 ने बढ़ाई और परेशानी, हवा में मिली खतरनाक गैस। बिहार की हवा जहरीली होती जा रही है। साल 2021 में बिहार की हवा में एक नई खतरनाक गैस की पहचान की गई है।
इस गैस की पहचान NO2 है, इसने वातावरण दम घोटू बना दिया है। एक अन्य जानकारी के मुताबिक खास बात यह है कि PM2.5 और PM10 की मात्रा उन इलाकों में भी फैल गई है जहां की हवा में अभी तक इसकी पहचान हुई तक नहीं है। इस संदर्भ में चिंता की बात यह है कि छोटे छोटे शहरों की हवा खराब हो रही है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक NO2 की हवा में सहन करने योग्य लिमिट 80 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसके संपर्क में आने से लोग सांस सहित कई और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। इससे खून के प्रवाह में दिक्कत भी हो सकती है। अब बिहार को दूसरे राज्यों से मछली लेने की आवश्यकता नहीं। बिहार मछली उत्पादन में धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है, जिसके तहत ही आने वाले समय में दूसरे राज्यों से मछली की आपूर्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। कृषि विज्ञान केंद्र सबौर आर्या परियोजना के तहत इस तरफ काम किया जा रहा है। इस कड़ी में 30 प्रगतिशील मछली उत्पादक युवा 5 दिवसीय प्रशिक्षण सह परिभ्रमण कार्यक्रम में सम्मिलित होने सिफरी बैरकपुर कोलकाता के लिए रवाना हुए हैं। दल को रवाना करते हुए विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर R.K. सोहाने ने युवाओं को कहा है कि आप जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रहे हैं उसे जरूर पूरा करें। ने जारी किया हेल्थ इंडेक्स, बिहार इसमें भी पीछे। नीति आयोग की रिपोर्ट जब से जारी हो रही है, बिहार सरकार के विकास की गाथा एक के बाद एक खुलती जा रही है, क्योंकि बिहार सरकार लगातार हर क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने का दावा करती आई है, लेकिन जब से नीति आयोग की रिपोर्ट जारी हो रही है बिहार सरकार की पोल ही खुल गई है। इसी कड़ी में बीते दिन नीति आयोग की तरफ से स्वास्थ्य इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें अव्वल तो केरल रहा, लेकिन बिहार की हालत सबसे खराब रही, क्योंकि जारी किए गए ताजा इंडेक्स में बिहार 18वें स्थान पर है। वहीं बेहतर हेल्थ सेवा देने के मामले में छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में मिजोरम पहले पायदान पर जगह बनाने में कामयाब रहा है। देश में प्रजातंत्र की जननी, भारत को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। यही कारण है कि आजादी के 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी महोत्सव के तहत बीते दिन दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन खुद विभाग विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया और इस आयोजन के साक्षी श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार समेत कई गणमान्य अतिथि बने। इस मौके पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार देश में प्रजातंत्र की जननी है, यही से प्रजातंत्र की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि बंगाल के विभाजन के बाद बिहार और उड़ीसा नामक प्रांत का जन्म हुआ था, उसके बाद फिर बिहार से अलग होकर झारखंड अस्तित्व में आया। विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी जाप, बीते दिन जन अधिकार पार्टी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर विरोध करती नजर आई। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने MSP की गारंटी, विशेष राज्य का दर्जा और वार्ड सचिव को नौकरी दिए जाने की मांग उठाई, जिसके तहत ही जन अधिकार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने न्यू पटना बाईपास स्थित टोल प्लाजा के साथ सड़क जाम कर प्रदर्शन का काम किया। जन अधिकार पार्टी के पटना जिला अध्यक्ष सच्चिदानंद यादव के नेतृत्व में आयोजित चक्का जाम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जाप न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बनाने की मांग कर रही है, ताकि किसानों के फसलों का वाजिब दाम मिल सके। बिहार में 70% से ज्यादा जनता कृषि पर निर्भर है। सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा है। सीएम नीतीश ने इन लोगों को बिहार आने से खुले मंच से किया इनकार। सीएम नीतीश इन दिनों समाज सुधार अभियान पर निकले हुए हैं। इसी कड़ी में वो बीते दिन बिहार के सासाराम पहुंचे, जहां मंच पर चढ़कर उन्होंने शराब पीने वालों को जमकर खड़ी खड़ी सुनाई। इस दौरान सीएम नीतीश ने खुले मन से कहा कि यदि आपको शराब पीना है तो बिहार मत आइए, हम यहां कभी भी दारू पीने की इजाजत नहीं देंगे। शराबबंदी के बाद भी बिहार में 2 करोड़ पर्यटक आए हैं, यह पहले की तुलना में काफी अधिक है। इसके अलावा बीते दिन की यात्रा के दौरान उन्होंने एक बार फिर से बिहार की जनता को लालू राज की याद दिलाई है, जिसके तहत उन्होंने भरी सभा में कहा कि 2005 से पहले लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, पहले अपराध चरम पर था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। हमने 24 नवंबर 2005 को जब सत्ता संभाली उसके बाद से लगातार विकास का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 साल से आपकी सेवा करते आ रहे हैं, बिहार कहां था और उसे कहां पहुंचाया गया है। अब इन लोगों को मिलेगा स्मार्ट डोनर कार्ड। बिहार में स्वैच्छिक रक्तदान करने वालों को बिहार सरकार स्मार्ट डोनर कार्ड देने वाली है, जिसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि बिहार में अब रक्तदाताओं के लिए स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट डोनर कार्ड की व्यवस्था कर दी गई है। अब रक्तदाताओं को इसकी सॉफ्ट कॉपी पंजीकृत ईमेल आईडी और पंजीकृत मोबाइल पर एक लिंक के माध्यम से भेज दी जाएगी, जिससे रक्तदाताओं की तरफ से डाउनलोड किया जा सकता है। इसकी हार्ड कॉपी संबंधित रक्त केंद्र को वितरण के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसे रक्त केंद्र द्वारा रक्तदाताओं को उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी साफ किया है कि स्मार्ट डोनर कार्ड में सभी रक्तदाताओं को एक यूनिक पहचान संख्या दी जाएगी, साथ ही रक्तदाताओं का नाम, जन्म तारीख, पूरा पता, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर और उनकी तस्वीर मुद्रित रहेगी।
65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आयोजन होना है, जिसको लेकर बिहार के भी कई राजनीतिक दल काफी उत्साहित हैं, क्योंकि चुनाव भले ही यूपी में है, लेकिन इसका हिस्सा बढ़ चढ़कर बिहार के कई राजनीतिक दल भी बन रहे हैं। इसी के तहत यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में वीआईपी भी अपनी किस्मत आजमा रही है, जिसके तहत ही अब उत्तर प्रदेश के लोग अब सड़कों पर बोट रेस देखेंगे। बिहार में मंत्री और विकासशील पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा है कि उन्होंने 165 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिस पर एक नाव लगी है। इसको लेकर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि नाव मेरी पार्टी का चुनाव चिन्ह है और ये वाहन 165 विधानसभा सीटों को पार करेंगे, जहां निषाद की अच्छी खासी आबादी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने नीतीश के शराबबंदी कानून को बताया अदूरदर्शी फैसला। बिहार में शराबबंदी कानून के फैसले ने राज्य के साथ साथ देश भर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। यही कारण है कि इस मुद्दे पर बिहार में तो चर्चा जोर शोर से हो ही रही थी, अब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी सीएम नीतीश के इस फैसले पर टिप्पणी की है, जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नीतीश के शराबबंदी कानून को अदूरदर्शी करार दिया है। जस्टिस रमना ने कहा है कि इसके कारण कोर्ट में मुकदमों का ढेर लग गया है, ऐसे कानून का मसौदा तैयार करने में दूरदर्शिता की कमी होती है। बिहार मध्य निषेध कानून 2016 लागू होने के कारण हाईकोर्ट जमानत के आवेदनों से भरा हुआ है, इस वजह से एक जमानत की अर्जी के निपटारे में एक साल का वक्त लग जा रहा है। कानूनों को पारित करने से पहले उनके प्रभाव का मूल्यांकन और संवैधानिकता की बुनियादी जांच की जानी जरूरी है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी के 1885 में स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कोलकाता में 1928 में पहली बार बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव प्रदर्शित हुई। राजीव गांधी के नेतृत्व में 1984 में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जीत मिली। भारतीय डाक विभाग द्वारा 2000 में वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में 5 डाक टिकट के सेट में ₹3 का एक सचित्र डाक टिकट जारी किया गया। आम आदमी पार्टी ने 2013 में दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति धीरूभाई अंबानी का जन्म 1932 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा का जन्म 1937 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय राजनेता अरुण जेटली का जन्म 1952 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत का 1977 में निधन आज ही के दिन हुआ था। धोनी के संन्यास को लेकर पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने किया चौंकाने वाला खुलासा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ऐसे फैसले लेते हैं जिसकी लोगों को कम ही उम्मीद होती है। धोनी क्या करते हैं ये सिर्फ वही जानते हैं। धोनी को हमेशा चौंकाने वाला फैसला लेने के लिए जाना जाता है। धोनी ने संन्यास का ऐलान भी कुछ ऐसे ही किया था। वहीं शास्त्री ने अब धोनी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच शास्त्री ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान कहा कि ये हैरानी भरा था। वो मेरे पास आया और कहा कि मैं लड़कों से कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे लगा कि वो ड्रॉ के बारे में कुछ कहने जा रहा है। मैं ड्रेसिंग रूम के चारों ओर सभी के चेहरे ही देख रहा था। जब धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की तो ज्यादातर खिलाड़ी सदमे में थे। अस्पताल का मंत्री शाहनवाज हुसैन और रामकृपाल यादव ने किया उद्घाटन। बीते दिन राजधानी पटना में मंत्री शाहनवाज हुसैन और रामकृपाल यादव ने प्रतिष्ठित शार्प साइट आई अस्पताल का राज्य में पहले केंद्र का शुभारंभ किया है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव, दिल्ली और बिहार के आंखों के कई प्रतिष्ठित चिकित्सक मौजूद रहे। पटना के आशियाना मोड़ आशियाना दीघा रोड पर खुले शार्प साइट आई हॉस्पिटल के शुभारंभ के बाद बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के प्रति निवेशकों का नजरिया बदला है। बिहार में खुल रहा हर नया उद्यम ये साबित करता है कि बिहार में उद्योग के लिए अच्छा माहौल बना है। जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 27 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,280 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,550 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,900 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, कुंदन साजवान, रविंद्र पासवान, प्रिया यादव, बबीता यादव, एनके मुन्ना ऑफिशियल, गौतम कुमार, कुमार राहुल, विकास कुमार, सूरज बाबू, मुर्तजा अंसारी, प्रतिभा कुमारी, अक्षय कुमार यादव, पिंटू यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोरोना के वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए क्या बिहार सरकार को सख्त नियम लगा देने चाहिए या नहीं। अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।